मंगलवार की रात दुर्गापुर के बी जोन में आपसी गुटबाजी को केंद्र कर हुई झड़प में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के बी जोन और एडिशन रोड इलाके में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम बंटी बाल्मीकि और सोमदेव विश्वास है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों की पेशी दुर्गापुर महकमा अदालत में की गई। पुलिस अब झड़प में शामिल बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के बी जोन में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। बाद में इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया था। एडिशन रोड इलाके में एक व्यक्ति के घर में हमला कर तोड़फोड़ और गोली चलाने का आरोप लगा था। इस हमले में तीन लोग घायल हुए थे। बमबाजी के साथ बाइक में तोड़फोड़ की गई थी। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों इस विवाद की शुरुआत हुई थी। जंगल महल इलाके के कुछ युवकों ने दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के भारतीय इलाके में जाकर सरोज खान समेत दो युवकों की पिटाई कर दी थी। साथ ही उनकी बाइक में भी तोड़फोड़ की गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बदले की भावना से एडिशन रोड इलाके में सौरभ रेज के घर में हमला किया गया था। दुर्गापुर से साधन रूच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।